अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द लर्न डेली फिजिक्स। तो आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा समरफेल्ड का, और आप समझें जैसे कि आज हमने उसका कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट्स देखने हैं कि क्या जो समरफेल्ड ने सारा काम किया, सारी थीरी, सारी कैलकुलेशंस की, उनका फल क्या मिला समरफेल्ड को। हमने उस चीज़ को डिस्कस करना है आज। तो उस चीज़ को हम डिस्कस करने से पहले, क्योंकि मैंने बताया आपको कि समरफेल्ड ने जो मॉडल दिया था उसके अंदर उसने कहा था कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस हैं वो एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट के अंदर मूव करता है, ना कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी इलिप्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। तो मैं पहले आपको इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा, क्योंकि जब हम फिर बात करेंगे वहां पे जाके साइजेस और शेप्स की, तो वो इलिप्टिकल साइजेस मैं ड्रॉ करूंगा। और थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको अगर पहले से पता होंगी एलिप्स के बारे में तो तब आपको वो चीज समझ में आएगी, वरना आपको वो चीज समझ में सही से नहीं आ सकेगी। तो देखते हैं कि ये एक इलिप्टिकल मैंने ड्रॉ किया, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट ड्रॉ किया। तो इस ऑर्बिट के अंदर अगर आप देखें तो इस पे मेजर एक्सिस कहां पे होता है, जो आप सेमी मेजर एक्सिस जिसको कहते हैं, वो एक्सिस होता है सेंटर से लेके इस एक्सट्रीम एंड तक। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये है आपका सेमी मेजर एक्सिस, सही। फिर यहां से लेके यहां तक के फासले को जो है वो ई ए आप कहते हैं, सेंट्रिसिटी, ई ए सेंटर से लेके यहां तक। आप लीनियर सेंट्रिसिटी को भी इसी तरह रेशियो के फॉर्म के अंदर डिस्क्राइब कर देते हैं, रेशियो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द एक्सट्रीम पॉइंट। यहां से आप इस रेशो और इसकी एक रेशो ले, इस डिस्टेंस और इसकी आप एक रेशो लेते हैं, उससे भी आप लीनियर एसेंट्रिसिटी को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन एसेंट्रिसिटी का बहुत एक अहम रोल है, आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस एसेंट्रिसिटी। थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ेंगे, इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इन डिटेल हमें समरफेल्ड को पढ़ना है। तो इतनी चीजें जरूर पढ़ेंगे जहां से आपको, जिसकी वजह से आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब आपको पता है यहाँ पे F1 और F2 दो हमारे पास वो साइज होते हैं इन एलिप्स, एलिप्स के जो होता है वो दो आप कहें फोकस होता है, एक फोकस यहाँ पे एक फोकस यहाँ पे। और समरफेल्ड मॉडल के अंदर हमने इसी तरह कहा कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो किसी भी एक फोकस पे पड़ा हुआ है। अब केपलर्स मॉडल को अगर आपने पहले केपलर्स मॉडल को अच्छे से पढ़ा हुआ है, और आप जानते हैं केपलर्स मॉडल में आपने किस तरह क्या चीज क्यों डिस्क्राइब कैसे की गई है, तो आपको ये समझना बहुत आसान होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सिमिट्रीज है नेचर्स के अंदर, पहले भी ये बात मैं एक दफा आपसे कर चुका हूं कि नेचर जो है वो सिमिट्री होती है, नेचर में सिमिट्री होती है। और नेचर के अंदर जैसे प्लेनेटरी मॉडल था ना कि एक प्लैनेट्स जो उनसे हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो बोहर ने उस चीज को जहन में लाया, बोहर ने उस चीज को एक आइडिया बनाया और एटम को डिस्क्राइब किया कि एटम एक सर्कुलर ऑर्बिट, एक जिस तरह एक सन सेंटर में प्लैनेट्स के होता है, तो इसी तरह न्यूक्लियस एटम्स के सेंटर में होता है, भाई न्यूक्लियस एटम इलेक्ट्रॉन्स के सेंटर में होता है। तो इस तरह अब केपलर्स का जो मॉडल था, केपलर्स ने बिल्कुल सेम एज इट इज समरफेल्ड मॉडल देखें या केपलर्स मॉडल देखें, दोनों की डायग्राम सेम एज इट इज है, ठीक है, दोनों की डायग्राम एक जैसी, एलिप्टिकल मॉडल दोनों में सिमिट्री है, ठीक है। तो आप कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ को अगर देखें, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर एंड एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, दोनों सेम है, दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, एक मैसेज के लिए और एक चार्ज बॉडीज के लिए। तो ये इसी तरह समरफेल्ड मॉडल और ये जो केपलर्स मॉडल है दोनों सेम है। तो अगर आपने केपलर्स मॉडल डिटेल में पढ़ा हुआ है तो आपको इसके मोशन में इतना भाई इसको समझने में मोशन को इतना वो नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आपने नहीं समझा हुआ तो इसको गौर से सुने। तो ये हमारे पास एक रेडियस आर है, ये माइनर एक्सिस है, यहां से लेके यहां तक हमारे पास क्या है, सेमी माइनर एक्सिस है, ठीक है। तो अब जो मेन चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है, ये तो शायद आपको पहले भी पता हो, अब ये हमारे पास होता है आर पी और ये है आर ए पी। अब हमारे पास आर पी क्या है, ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूं कि व्हाट इज आर पी। तो आर पी हमारे पास है, आर पी को हम लिखते हैं पेरी
हीलियम, और ये हमारे पास बराबर होता है ए इंटू वन माइनस एसेंट्रिसिटी, ठीक है। और मैं बताता हूं ए क्या है, ए हमारे पास ये जो मेजर एक्सिस है इसको हम ए कहते हैं। फिर उसके बाद आर ए पी क्या है, आर ए पी है हमारे पास एपिहेलियन, एपिहेलियन इसके हैं एपिहेलियन, और ये होता है ए इंटू वन प्लस एसेंट्रिसिटी। अच्छा अब एसेंट्रिसिटी क्या होती है, एक एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी आप सिंपली एसेंट्रिसिटी का वैसे तो फॉर्मूला भी है एक अलग से, एक लीनियर एसेंट्रिसिटी है, फिर बहुत सी एसेंट्रिसिटीज की भी टाइप्स हैं थोड़ी बहुत, और उनको भी एक उनका एक फॉर्मूला है, उनके अंदर एसेंट्रिसिटी एक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो एसेंट्रिसिटी हमें एनर्जी की भी इंफॉर्मेशन भी देती है, तो वो एक एसेंट्रिसिटी का अलग से एक वो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, कैपलर्स लॉ में हमने इस्तेमाल किया है, मैं वो उसको दोबारा से या उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप समझे एसेंट्रिसिटी ये है कि एक सर्कल होता है ना, फॉर एग्जांपल नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दिस, और मैं इसको इस डायग्राम को अब इरेज कर देता हूं और मैं आपको समझाता हूं कि एसेंट्रिसिटी क्या है। लेट सपोज ये एक समझ लें एक सर्कल है, आई हैव ड्रॉन दिस सर्कल, तो अब एक ये सर्कल है, इसकी सर्कल की सेंट्रिसिटी क्या होती है, सर्कल की सेंट्रिसिटी जीरो होती है, सर्कल की सेंट्रिसिटी जीरो होती है, जैसे जैसे मैं इसको दबाता जाऊंगा, मैं इसको स्क्वीज करता जाऊंगा, फॉर एग्जांपल यहीं पे इसको मैंने ये यहां से अब क्या है इसकी सेंट्रिसिटी बढ़ने लगी, यू सेंट्रिसिटी बढ़ रही है, ठीक है। जैसे जैसे भी इसको मैं दबाता जाऊंगा ना, ऊपर से स्क्वीज करता जाऊंगा सर्कल को, तो उसकी सेंट्रिसिटी बढ़ती जाएगी, और यहां पे जब वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी तो स्ट्रेट लाइन की सेंट्रिसिटी क्या होती है हमारे पास इंफिनिटी होती है, ठीक है। द सेंट्रिसिटी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज इंफिनिटी, वेयर एज द सेंट्रिसिटी ऑफ अ सर्कल इज जीरो। सो ये एक एसेंट्रिसिटी आप समझ लें कि एसेंट्रिसिटी क्या है, उसके स्क्वीजनेस है कि आप उस आपने उसको कितना स्क्वीज कर दिया, वो उसकी एसेंट्रिसिटी है। अच्छा अब बात करते हैं कि सेंट्रिसिटी तो थोड़ा आइडिया हो गया आपको कि व्हाट इज एसेंट्रिसिटी, अब बात करते हैं कि पेरिहेलियन और एपिहेलियन के अंदर ये एसेंट्रिसिटी क्या रोल अप्लाई कर रही है, क्योंकि यही मेन चीज है कि जिस चीज ने मुझे भी तंग किया और ये आपको भी तंग करेगी, तो मैंने फिर इसको सॉर्ट आउट कर लिया कि क्या यही पेरिहेलियन और एपिहेलियन वाला एक इशू हम आ रहा था वहां पे, वो भी मैं बताऊंगा कि इशू क्या आ रहा था और मैं क्यों आपको पहले ये चीज बता रहा हूं। तो बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कि इलिप्स के अंदर अगर ये आपका फोकस F1, आप फॉर एग्जांपल F1 यहीं पे न्यूक्लियस, या आपके पास सन है या न्यूक्लियस है, या तो प्लेनेटरी एटम का मॉडल है या आपका प्लैनेट्स का मॉडल है, ठीक है। तो हम न्यूक्लियस की मैं इससे बाद बात करूंगा, तो आपका समझे न्यूक्लियस यहां पर है, यहां से लेके यहां तक का जो फासला है ना वो समझे तो क्या है, आर पी है, ठीक है, आर पी है। अब क्या होगा कि ये चीज आर पी और ये फासला आर ए पी, ठीक है। अब बात जो समझने वाली है वो ये है कि जब इसेंट्रिसिटी बढ़ेगी, जब ये छोटा होता जाएगा, हम ऑर्बिट्स में देखेंगे कि कैसे माइनर एक्सिस कम होने से इसेंट्रिसिटी बढ़ जाती है हमारे पास, तो वो यूं जैसे जैसे हमारा माइनर एक्सिस कम होता जाएगा, यूं स्क्वीज होता जाएगा, सेंट्रिसिटी बढ़ती जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा हमारे पास, वो हमारे ऑर्बिट्स राइट साइड को शिफ्ट होने लग जाएंगे। वो राइट साइड को क्यों शिफ्ट हो रहे हैं वो समझने के लिए ये सेंट्रिसिटी समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे एक और बनाया ऑर्बिट,
दूसरे कलर से मैं बनाता हूं, तो वो कुछ ऐसे बना। अब वो थोड़ा सा ऐसे आगे शिफ्ट हो गया। अब आपके जो अगर समर्पण मॉडल में देखें तो सेम एज इट इज ये ऑर्बिट बनेंगे, लेकिन वो एम की वैल्यू और थोड़ी सी हम कैलकुलेशन करके वो बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एलिप्स का और ये सेंट्रिसिटी का समझाना चाहता हूं कि क्यों उस तरह से हमारे पास ऑर्बिट्स बनते हैं। मेरे पास पहले से लैपटॉप के अंदर पड़े हैं, तो अगर आपको ये डायग्राम नजर आ रही है ना, तो ये हमने बनाना है, ठीक है। तो अब ये किस तरह से बनाना है आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा बाद में, एनिमेशन भी इसके हम देखेंगे। तो अब ये चीज थोड़ा सा इसको स्क्वीज करने से ये ज्यादा फोकस के करीब क्यों चला गया, क्यों? क्योंकि हमारा ये डिस्टेंस जो हमने जिसको पेरिहेलियन कहा कि जो डिस्टेंस पेरिहेलियन क्या होता है, द डिस्टेंस द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है फोकस से इस पे, जो न्यूक्लियस का एक्सट्रीम इस वाले एक्सट्रीम एंड से सबसे जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम पेरिहेलियन कहेंगे, और जब से जो सबसे बड़ा होगा उसको हम एपिहेलियन कहेंगे। तो एपिहेलियन जोन है उसको आप कहें तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला। अब जैसे जैसे सेंट्रिसिटी बढ़ेगी ये वाला फैक्टर बड़ा होता जाएगा, बड़ा फैक्टर जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ओवरऑल टर्म हमारे पास छोटी आती जाएगी, जिसका मतलब ये है कि ये वाला डिस्टेंस अब हमारा कम होता जा रहा है। जब डिस्टेंस कम होता जा रहा है तो ये ऑर्बिट इसके ज्यादा करीब आता जा रहा है। जब ये ऑर्बिट इसके करीब आता जा रहा है तो ये हमारा मेजर एक्सिस तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, मेजर एक्सिस हम वहां पे भी देखें हमारा हर दफा 4a0 ही आएगा, तो वो तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है। जब वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो फिर क्या है कि हमारा ये एक्सिस इस तरफ को शिफ्ट करता जाएगा, ठीक है, और ये ऑर्बिट हमारा थोड़ा सा यूं बाहर को निकलता जाएगा। ये मेन चीज है जो एक समझनी जरूरी है। मैं एनिमेशन भी दिखाऊंगा तो वहां भी आप देखेंगे कि ऑर्बिट बाहर को निकले हैं। आप कहेंगे यार मेजर एक्सिस तो सेम है, दे हैव सेम मेजर एक्सिस, देन व्हाई वी डोंट मेक देम लाइक दिस, हम उनको इस तरह क्यों नहीं बना लेते, मैंने इसको बाहर निकाला ना। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है जो आपको कंफ्यूज करता है, जिसने मुझे भी कंफ्यूज किया कि ये समझे एक मैंने एलिप्स बनाया, मैं अगर सेंट्रिसिटी कम करता जाता हूं तो मैं यहीं पे क्यों नहीं बना लेता सेम में, ये देखें यहां पे नहीं, यहां पे इस तरह से, यहां पे इस तरह से, ये इस तरह से नहीं बनते, ठीक है, वहीं पे नहीं होंगे, ये आगे को शिफ्ट होते जाएंगे, क्योंकि सेंट्रिसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी एज देर विल बी इंक्रीज इन देयर सेंट्रिसिटी, दे विल बी शिफ्टेड टुवर्ड मोर शिफ्टेड टुवर्ड द फोकस। क्यों? पेरिहेलियन और एपिहेलियन डिस्टेंस, इनकी इनको अगर आप डेरिवेशन करें तो वो थोड़ी एक ट्रिकी डेरिवेशन है, उसके अंदर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जाके फिर सारा उनको एक सेंट्रिसिटी की भी आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी, उनकी एक डिटेल एनालिसिस करने के बाद आपके पास ये इक्वेशंस आएंगी, जो हमने करनी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए ये मैंने चीज समझा दी। अब चलते हैं समरफेल मॉडल की तरफ, क्यों कि अब मैंने इतना आपका टाइम दिया, क्यों दिया कि आप चीज को समझ सकें, ठीक है, कोई भी इतना डिटेल में समझाता नहीं है कि हो सकता है अब काफी आप में से लोग बोर भी हो रहे हो, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है तो प्लीज थम्स अप जरूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं समरफेल मॉडल की। तो समरफेल मॉडल में लास्ट टाइम मैंने आपको एक इक्वेशन नंबर एफ लिखवाई थी, और मैंने कहा था कि इक्वेशन नंबर एफ अगर आपने आपको आ गई है तो हम साइज और शेप को डिस्कस कर सकते हैं। तो वो इक्वेशन नंबर एफ क्या थी? वो इक्वेशन नंबर एफ ये थी कि एम जी ई स्क्वायर ओवर 4πε0 पी थीटा स्क्वायर इक्वल टू ए ओवर बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास थी मेन इक्वेशन। तो यहां पे हमारे पास जो पी थीटा की वैल्यू थी वो थी के एच कट, जिसको हम लिख सकते हैं के एच ओवर 2π। अब अगर हम ये वैल्यू यहां पे पुट करें तो हमारे पास क्या होगा कि यह आ जाएगी एम जी ई स्क्वायर ओवर 4πε0, ये पी थीटा है तो वो के एच के स्क्वायर ओवर 4π स्क्वायर, ओके,
इट विल बी अवर 4π² तो ये पाई एक इससे कट गया, 4 से कट गया, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बच जाएगी mze² पाई ओवर एप्सिलॉन नॉट k² h² इक्वल्स टू a/b². ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बच जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, होने के बाद हमारे पास जो चीज बची वो ये बच गई इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक और पढ़ा था कि y जो हमारे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर है वो जीरो क्यों नहीं होता, पीछे हमने प्रीवियसली समनफर मॉडल के अंदर वो चीज मैंने आपको बताई, तो वहां पे हमने ये रिलेशन फाइंड आउट किया था कि k/n = b/a के ये एक माइनर एक्सेस और मेजर एक्सेस के जो रेशो होती है वो अजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की रेशो के बराबर होती है, ये हमने फाइंड आउट की। यहां से हमने b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये पी की वैल्यू हमने ये जो इक्वेशन फाइंड की अभी, ठीक है, इसके अंदर पुट की, इसके अंदर पुट करने है, पुट जब करते हैं यहाँ पे बी की जगह तो हमारे पास आ जाएगा k² / n² * a² और ये एप्सिलॉन नॉट k² h² ये k² से कट जाएगा, ये हमारे पास जो a² है ये एक a इधर से कट जाएगा और हमारे पास कोई भी यहाँ पे कटने वाली चीज नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां से a को सेपरेट कर लेते हैं कि a यहां पे अब हमारे पास रह गया, तो इस a को हम क्या करते हैं, इस a को यहीं पे रहने देता हूं मैं, यहां पे अगर आप देखें इस a को यहीं पे मैं रहने देता हूं और बाकी जो टर्म्स हैं एप्सिलॉन नॉट h² कहते हैं एप्सिलॉन नॉट h² ओवर mze² पाई इंटू n² / z। तो अगर तो आपने सही से एटॉमिक मॉडल आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने बोहर एटॉमिक मॉडल सही से पढ़ा है तो फिर तो आपको ये चीज देखते ही पता चल गई होगी कि ये तो बोहर रेडियस है और ये तो बिल्कुल बोहर वाला यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गया और यहाँ पे a की जगह बोहर ने क्या लिखा हुआ था r n। ठीक है, तो एक बोहर के जो रेडियस था वही हमारे पास जो एनर्जी आई हमने वो बोहर की देखी, वही बोहर वाली एनर्जी आ गई। लेकिन यहाँ पे a और b की दो डिफरेंट हैं और जहां से हमें पता चलेगा कि ऑर्बिट क्या, किस तरह से ऑर्बिट्स डिफरेंट ऑर्बिट्स को समरफेल्ड ने बताया कि एक प्रिंसिपल, अब मसला क्या था कि एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब है तो बोहर ने कहा कि एक n की वजह से अगर आपके पास n1 है तो वो एक ही ऑर्बिट, उसका एक ही ऑर्बिट होगा, लेकिन समरफेल्ड ने बताया कि अगर n1 है तो ऑर्बिट एक नहीं हो सकते, वो उसके सब ऑर्बिट भी हमारे पास एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनको SPDF का नाम दिया गया, सब ऑर्बिटल्स जो होते हैं जिनको हम सब ऑर्बिटल्स के नाम से याद रखते हैं। तो अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास क्या है a0, इसको हम a0 कहते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.53 नैनोमीटर, उस वहां पे हमने r0 लिखा था, यहाँ पे हम a0 से लिख देते हैं, बोहर में r0 से हमने लिखा था। तो अब ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया a का, मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूं कि a = a0 n² / z। ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, इसको मैं यहां से ब्लॉक में लिख देता हूं। ठीक है, अब इस इक्वेशन में ये जो a की वैल्यू है मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ दिस a इन दिस इक्वेशन तो हमारे पास b की क्या वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास आएगी b = k/n, a की जगह a की वैल्यू तो वह आ जाएगा a0 n² / z और ये n जो है इससे कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा k a0 k n / z, तो b हमारे पास ये आ गया। ठीक है, b हमारे पास जो है
वो ये चीज हमारे पास आ गई। और मैं इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे समझे आप, बी की भी आपने, हमने जो फाइंड आउट करनी थी चीजें वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं, जो हमारी कैलकुलेशन थी जिन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए, तो वो हमने दो इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली। अब हमारी साइज और जो हमारी शेप्स बनेगी वो इन्हीं दो इक्वेशन से बनेगी। और जो इक्वेशन दूसरी हमने लिखी है वो है बी इक्वल्स टू ए नॉट के एन ओवर जी। ठीक है, तो अगर जी को हम वन ले लेते हैं तो हमारा ये जी वाला फैक्टर भी जो है वो हम कहते हैं कि एक ही प्रोटॉन है, तो ये जी वाला फैक्टर भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है यहां से। तो अब ये तो हमने दो इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। तो जो दो मेन इक्वेशंस हमने फाइंड आउट करनी थी वो हमने कर ली हैं, तो जिससे हमें शेप और कैलकुलेशन का पता चलना है वो दो इक्वेशन, एक मेजर एक्सिस के लिए एक माइनर एक्सिस के लिए। ठीक है, तो अब पुट करते हैं वैल्यूज यहाँ पे। और वैल्यूज की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एन है, मैं पहले भी शायद आपको बता चुका हूँ क्योंकि वो वीडियो में थोड़ा सा पॉज आ गया किसी खराबी की वजह से। तो एन हमारे पास है रेडियल क्वांटम नंबर प्लस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तो इस चीज को आपने जहन में रखना है। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एन इक्वल्स टू वन के लिए, कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जब हमारा, हमें पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे मिलकर बना होता है, रेडियल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये हम पॉसिलेट्स के अंदर या स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं कि एन इक्वल्स टू वन के लिए, कि जब एन इक्वल्स टू वन होता है हमारे पास, तब हमारे पास शेप क्या होती है। तो पहले बात करते हैं फॉर एन इक्वल्स टू वन, फॉर एन इक्वल्स टू वन के लिए, जब एन इक्वल्स टू वन होता है, हमने पहले भी एक चीज पढ़ी है कि ये जो के है हमारे पास, के कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। ये बात मैं आपको प्रूव करके पहले दे चुका हूं कि जब के हमारे पास जीरो होगा तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जो हमारे पास प्रैक्टिकली नहीं, वो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। तो के हमारा तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये है कि के हमारे पास वन होगा और ये क्या होगा, जीरो होगा। तो एन हमारे पास तभी वन के बराबर आ सकता है। तो जब n इक्वल्स टू वन होगा तो k भी हमारे पास क्या होगा, वन के बराबर ही होगा, हमने अभी ये चीज भी देखी। अब जब हम यहाँ पे पुट करते हैं, समझे z हमारे पास हमेशा वन ही रहेगा, z को हमने वन सपोज कर लिया कि प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है वो z वन है, और हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, z हाइड्रोजन के लिए वन होता है। तो यहाँ पे जब आप वन पुट करेंगे तो वन स्क्वेयर वन, तो ये बराबर किसके आ जाएगा, ए नॉट के। तो ए जो है आपका वो ए नॉट के बराबर आ जाएगा। यहीं से इसी तरह पुट करेंगे, यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन, तो वन इंटू वन वो भी वन आ जाएगा। तो बी भी आपका क्या आ जाएगा, ए नॉट के बराबर। तो यहां से आपको पता चला कि जब आपके पास एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वन होता है तो आपके पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी वन होता है, और जो आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आता है वो किसके बराबर आता है, ए नॉट के। ठीक है, जो ए है वो बी के बराबर है, जो कि ए नॉट के बराबर आ जाता है। ये तो बात थी जब हमारे पास एन इक्वल टू टू था। और यहां पे अगर आप इसकी शेप ड्रॉ करें तो वो शेप कैसी बनती है, वो शेप इस तरह की बनेगी, उसकी शेप यूं बनेगी आपके पास कि एक सर्कुलर शेप बनेगी आपके पास, और इस सर्कुलर शेप की जो ए होगा और जो बी होगा आपके पास सेंटर से, ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आपस में बराबर होंगे, और दोनों किसके बराबर होंगे, ए नॉट के। समझे, दोनों एक ही रेडियस, जो सेंटर होता है उसका, जो सर्कल होता है उसका सेंटर सेम होता है, उसका एक ही फोकस होता है सेंटर के ऊपर, और उसका रेडियस क्या होता है वो सेम होता है। एलिप्स के अंदर रेडियस हमारे पास चेंज होता है। तो ये तो हमारे पास केस हो गया जब एन इक्वल टू वन आ गया, और ये एक सर्कुलर शेप बनती है जिसको हम कहते हैं वन एस, इसको हमने नाम दे दिया वन एस का। ये वन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और ये एस क्या है इसका, ये जो एस बताता है एस ऑर्बिटॉल है, सब ऑर्बिटॉल जो है हमारे पास वो है एस। अब चलते हैं एन इक्वल टू टू के लिए, एन इक्वल टू टू के लिए,
अब मैं कहता हूं कि मेरे पास जो n है वो इक्वल्स टू 2 है। अब इसकी दो केसेस हैं, या तो आपके पास क्या होगा k की वैल्यू 2 होगी तो ये क्या होगा 0 होगा, ठीक है, तो तब आपके पास n क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, डायरेक्टली 2 आ जाएगा, या क्या होगा ये 1 होगा प्लस ये भी 1 होगा, तब भी आपके पास n की वैल्यू क्या आएगी 2 ही आएगी। अब क्या k की या तो वैल्यू क्या होगी 2 और k की वैल्यू क्या होगी या तो 1, या तो k 1 हो सकता है या k आपके पास 2 हो सकता है। पहले देखते हैं कि n n 2 जब होगा तो n 2 होगा, यहां पे a में आप पुट करते हैं तो ये आता है a नॉट 2 का स्क्वायर 4 a नॉट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहां पे 4 a नॉट। अब बात करते हैं k b के लिए, अब b के अंदर k की वैल्यूज डिफरेंट है, एक दफा k की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, एक दफा k की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। जब k की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो तब हमारे पास वैल्यू आती है यहां पे 2 इंटू 2, हमारे पास a नॉट क्या है a नॉट 2 इंटू 2, n भी 2 है k भी 2 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 a नॉट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 a नॉट इंटू 2 इंटू 2 4 a नॉट, तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये भी a भी 4 a नॉट आ गया, b भी 4 a नॉट आ गया, कब, जब k हमारे पास 2 था तो a इक्वल टू क्या आया 4 a नॉट और b इक्वल टू क्या आया 4 a नॉट। तो इससे भी अब हमारे पास क्या बनेगा, इसका भी एक हमें हमें यहां से आप कहें तो एक सर्कुलर आपके पास ऑर्बिट बनेगा, जिसका यहां से मेजर एक्सिस भी क्या होगा 4 a नॉट, यहां से भी 4 a नॉट 4 a नॉट और 4 a नॉट पे होगा, ठीक है, ये इसका सेंटर है सर्कल, क्योंकि सर्कल है मैंने बताया सर्कल का एक ही सेंटर फोकस होता है, वो सेंटर पे होता है, जो एलिप्स होता है उसके दो फोसाइड होते हैं। अब बात करते हैं हमारा ए, तो यही रहेगा ए जो है वो यही रहेगा, बेशक के की वैल्यू, क्योंकि इसमें ए के लिए के चेंज हो, ए पे के की कोई डिपेंडेंस नहीं है। बी के लिए आप देखते हैं कि जब के 1 होता है तो बी की वैल्यू यहां से हमारे पास 2 ए नॉट आ जाती है, जब के फॉर के इक्वल्स टू 1 ए की वैल्यू तो 4 ए नॉट रहती है, बी की वैल्यू क्या हो जाती है 2 ए नॉट। तो ये कब है, ये था जब के इक्वल्स टू 2 था, अब जब के इक्वल्स टू हमने 1 किया तो तब क्या होगा कि तब हमारे पास यहां से यूं ऑर्बिट बनेगा, ठीक, और ये समझे यहां पे क्या है 2 a नॉट, यहां पे भी क्या 2 a नॉट, और ये यहां पे क्या 4 होगा, ये भी 4 a नॉट ही, यहां पे 4 a नॉट ही होगा, लेकिन ये अब मेजर एक्सिस उसका सेम रहा लेकिन वो आगे शिफ्ट कर गया, क्यों शिफ्ट कर गया, इस पैरी ये जो मैंने आपको बताया था ना आर पी ए इंटू 1 माइनस एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी बड़ी है तो ये जो फोकस के पास वाला डिस्टेंस था, अब ये इलिप्स है तो इसका फोकस यहां पे आके बनेगा, और ये जो एक ऑर्बिट, ये पहले ब्लू लाइन से जो मैंने ऑर्बिट बनाया इसका नाम है 2s, और ये जो अब इलिप्स बना जिसका ये ऑर्बिट के इक्वल टू जो 2 के लिए मैंने बनाया था वो था ये था 2s, जो के इक्वल टू 2 के लिए था वो 2s था, और जो k इक्वल टू 1 के लिए बनेगा ये k इक्वल टू 1 के लिए था और ये होगा 2p, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2s 2p। अब हम यहीं पे बात करते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू क्या है 3 है, n की वैल्यू जब हमारे पास 3 है ना तो k की अब वैल्यूज जो होंगी वो n, यहां पे n का आंसर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, n का आंसर 3 कब आ सकता है यहां पे, जब ये 1 हो या 2 हो या ये 3 भी हो सकता है, यहां से मैं इसको नया लिख के देता हूं आपको कि जब 0 प्लस 3 हो 3 के बराबर,
वन प्लस टू हो थ्री के बराबर, टू प्लस वन हो तब भी थ्री के बराबर, तो एन के की वैल्यू क्या होगी, या वन या टू या फिर के विल बी इक्वल्स टू थ्री। तो अब यहां पे एन की वैल्यू यहां पे जब आप पुट करेंगे थ्री, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा नाइन ए नॉट, ठीक है। फिर जब आप के की वैल्यू थ्री पुट करेंगे, के की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो आपके पास यहां से थ्री इंटू थ्री ये भी आ जाएगा नाइन ए नॉट। तो ये सिमिलरली आपके पास, मैं इसी को अगर इसकी डायग्राम बनाऊं के इक्वल्स टू थ्री के लिए, तो अब n हमने बताया हमारे पास n क्या है थ्री है, तो k भी हमारे पास क्या है k वन टू थ्री, फॉर k इक्वल्स टू थ्री a की वैल्यू तो हमारे पास यही है नाइन ए नॉट ही रहेगी सबके लिए, k वन हो टू हो थ्री हो, क्योंकि इसकी डिपेंडेंस ही नहीं है। जब k हमारे पास थ्री है तो a क्या आया नाइन ए नॉट, और बी क्या आया वो भी नाइन ए नॉट आ गया। जब के इक्वल टू हमारे पास क्या था टू आएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा टू थ्री जा सिक्स, टू और एन क्या है थ्री, टू थ्री जा सिक्स ए नॉट, तो वो हमारे पास आ जाएगा यहां पे ए विल बी इक्वल टू, मैं यहां पे लिखता हूं फॉर के इक्वल टू टू ए विल बी इक्वल टू नाइन ए नॉट और b will be equals to 6a not। अब इसी तरह for k equals to 1 a will be equals to 9a not and b will be equals to 3a not। यहां पे आप पुट करेंगे तो वो k 1 3 into 1 3a not आ जाएगा, b की वैल्यू 3a not आ जाएगी। अब मैं इसके लिए k equals to 3 के लिए ऑर्बिट बनाऊंगा, k equals to टू के लिए और के इक्वल टू वन के लिए ऑर्बिट बनाऊंगा, और फिर आपको के इक्वल टू फोर की जोन से वो मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा स्क्रीन के ऊपर, और फिर मैं आपको एक एनिमेशन शो करूंगा कि किस तरह वहां पे ऑर्बिट्स मूव करते हैं, और इलिप्टिकल ऑर्बिट्स किस तरह उसको हम बेसिकली, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रिसिटी ऑर्बिट, क्योंकि ये सेंट्रिसिटी की वजह से इसका थोड़ा सा ऑर्बिट आगे को शिफ्ट कर जाते हैं, तो उसको हम सेंट्रिसिटी ऑर्बिट कहते हैं। तो जब हम k इक्वल टू थ्री के लिए डायग्राम बनाएंगे तो वो क्या बनेगा हमारा a b, हमारे पास कुछ इस तरह से ये बनेगा कि एक सर्कल बनेगा, ठीक है, जो जिसका यहां भी क्या होगा 9a नॉट, यहां भी 9a नॉट, यहां भी 9a नॉट और यहां भी 9a नॉट, ठीक है। तो ये इस सर्कल का एक समझे आप पहला कब बना, जब k इक्वल टू क्या था थ्री था, और इसको हमने नाम क्या देना है, ये क्वांटम नंबर क्या है थ्री, और जब हमारे पास a और b बराबर होंगे वो हमारे पास सबशेल कौन सा होगा s होगा, तो ये क्वांटम नंबर समझे n s लिखेंगे, n क्या है थ्री है, तो इसको हम लिख देंगे थ्री एस, तो ये कौन सा सबशेल है थ्री एस। तो इसके बाद हमारे पास जब k इक्वल टू टू था तो हमारा जो मेजर एक्सिस था वो तो 9a नॉट ही रहा, जबकि माइनर एक्सिस था वो b6a नॉट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास वो स्क्वीज कर गया और सेंट्रिसिटी बढ़ गई, जब सेंट्रिसिटी बढ़ी तो वो हमारे पास थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर गया, ठीक है। मैं आपको पहले यही चीज समझाई है क्यों आगे शिफ्ट कर गया, तो अब उसको देखें आप, तो वो समझे यूं एक डायग्राम आपके पास बनी, ये नाइन ए नॉट ही रहा और ये यहां से भी नाइन ए नॉट रहा, लेकिन वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर गया और ये इसका सेंटर यहां से, ठीक है। तो फोकस यहां पे, और ये यहां से क्या था सिक्स ए नॉट और यहां से 6a नॉट, और ये k इक्वल टू टू के लिए था, और ये कौन सा ऑर्बिट बनेगा p 3p, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा कि आप k इक्वल टू वन के लिए इसी तरह बनाएंगे तो वो आपके पास ऑर्बिट इस तरह का बनेगा,
ठीक है। तो जैसे जैसे सेंट्रिसिटी बढ़ती गई, आपका एक ऑर्बिट इस तरह से आगे को बन गया और इसको आप देंगे 3D का नाम। ये 3D बना और ये यहां पे समझे 3A0 और इधर भी 3A0 पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक ऑर्बिट बनेगा। अब आप डायग्राम देखें जो मेरी थंबनेल पे बनी है, वो भी बिल्कुल एज इट इज ऐसे बनी है। और 4, अगर आप n इक्वल्स टू 4 के लिए देखते हैं तो वो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आ गई है। अगर आप उसको देखें तो इस तरह से बनती है। तो ये तो होगी बात हमारी इसकी कि हमारी शेप्स हमने देखेंगे किस तरह डिफरेंट। उसने समरफेल्ड ने बताया कि सब एटॉमिक और जो ये जो एटम के अंदर सब ऑर्बिटल्स हैं ये किस तरह होते हैं, तो ये हमने आज डिस्कस किया। और मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना इनफ है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी के बारे में कि किस तरह रेडियस चेंज होता है जब यहां से, तो वो चेंज जो रेडियस और वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन होता है। तो जैसे जैसे रेडियस यहां से कम होता जाता है तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो वो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स उनसे हम उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। सो टिल देन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।